तुम बताओ व्हाई प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? बिकॉज इट गिव्स अस ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ एंड व्हेन वी ब्रीथ द ऑक्सीजन एंड व्हेन वी गेट आउट इट टर्न्स टू अ लेमन पूपू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ये टुडे वी आर गोइंग टू चेक दैट जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. ओह ये गोइंग टू चेक. Listen, ये है लाइम वाटर. ओके लाइम वाटर. इज इट दैट? नो ओके नाउ बोथ लाइक गाइस स्टैंड अप. ये क्या हो गया? लाइम वाटर. ओके और एक हमने इसमें रखा है, इसमें डाल देते हैं पानी. नाउ यू गाइस डू द ब्लो द वाटर. ओके one. No one drink it because this is not safe. Okay. Slowly, Anna, slowly. Why don't we just sit down? Anna, slowly. Anna, wait. ये जो तुम्हारा है उसका छींटा तुम्हारे मुंह में आ जाएगा. ओके ऐसे करो ना, इसका स्पिन करके तुम्हारे मुंह में आएगा. ओके ब्लो करो, ब्लो. Anna, wait. तुमको भी मिल जाएगा. I never had it at tissue. Yeah. Now this bubble is not safe. Look at Anya's water already. It's turning white. I never saw that. Anale, Anna, blow for. Arnav. Okay, Arba, Anna, that's enough. I just laughed, Python. Okay. I like it. You like it? Arnav, turn. I feel like this. Slowly, Arnav, slowly. Your tension is dying. Oh no, it's going to become white. Already? It's getting whiter. Yeah. My one's really white. Uh-huh. That's enough. You guys did a good job. My one is different color. This is supposed to not change the color, okay? Try both of them. Okay. देखो ये सफेद होता है कि नहीं. ठीक है बस करो. दैट्स एनफ. इट्स नेवर चेंज. दैट मींस दिस इज जस्ट वाटर. ओके कैन आई सिट डाउन विद यू गाइस? नेवर. प्लीज. देखो ये सर ना कुर्सी लेके बैठ गए. अच्छा थैंक यू अन्य. ओके. हां वो एक्सपेरिमेंट का मेन देखा ऐसे बैठने नहीं दे रहे मुझे. ओके तो इस आज का एक्सपेरिमेंट ये था कि जब हम ब्रीथ सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं क्या वो सही में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं? ये टेस्ट करने के लिए, इस टेस्ट को करने के लिए हमने लिया है लाइम. लाइम मतलब होता है चूना. ठीक है ये है लाइम. ठीक है ये है लाइम. इसके लिए आप एक चम्मच चूना ले लीजिए. चूना अगर आपके घर में ना हो तो आप किसी पान की दुकान वाले को ये मांग लीजिए. ठीक है और इसमें आप पानी डाल दीजिए. ठीक है चूने को इस तरह से पानी मिला दीजिए. ओके लाइम वाटर हो गया अब आपका. और इसको जो है आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए. ठीक है 24 घंटे बाद नहीं 24 घंटे बाद क्या होगा कि ये जो है सेटल हो जाएगा. ऊपर का पानी क्लियर हो जाएगा. उसको आप छान लीजिए. एक बार छानिए, दो बार छानिए, तीन बार छानिए. तब तक छान रहे जब तक कि उसका पानी क्लियर ना हो जाए एकदम. फिर उसके बाद स्ट्रॉ इस तरह से फूंकिए. अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा. उसका रिएक्शन ये है. तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूना बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ये सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कुछ इस तरीके से. ठीक है किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट पूरा हो पाया. ओके अराजक तत्वों को भगा दिया हूँ. अब इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट आपको बताएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इंसान लोग सांस लेते हैं तो उसके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं वो हमने आपको करके देखा है. उसके बाद हम अभी आपको ये भी दिखाते हैं जितने भी प्रकार के जीव होते हैं सब रेस्पिरेशन करते हैं तो सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं. उसका एक उदाहरण मैं और भी दिखाना चाहता हूँ. ईस्ट अगर आपको याद होगा
कि मैंने एक बार बेस्ट ईस्ट वाटर अपने घर पे बनाने का तरीका आपको बताया था, वही वाला वाटर अभी तक मेरे घर में रखा हुआ है। और ये वाला ईस्ट सांस लेता है कि नहीं, और लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता नहीं, इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और इसमें हम डाल देते हैं, इसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं, दारोज इसलिए कर लेते हैं कि क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ था ये और बहुत कंसेंट्रेटेड था, तो हमने इसको डाइल्यूट कर लिया है। और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और इसमें हम डाल देंगे जो है चीनी। तो लाइम वाटर आप जब भी आपको प्रेसिपिटेट जैसा दिखे, वाइट जैसा, तो आप उसको जो है इस तरह से आप फिल्टर करते रहिए। इसको मैं सिर्फ एयर टाइट ढक्कन बनाने के सोच रहा हूँ, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इस तरह से रखना चाहते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसीजर होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे जो है पहले वीडियो को देखे होंगे कि ईस्ट कैसे बनता है, तो उसके हमने सारी केमिस्ट्री अच्छे से बहुत अच्छे समझाई हुई है, मैं फिर से दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ईस्ट का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं कि ईस्ट क्या होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोटिक सेल है, तो भी जो है शुगर के प्रेजेंस में वो शुगर को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज गैस करता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये जानना कि कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करके इसमें आएगा तो ये लाइम वाटर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जैसा कि मैंने आपको ये सब दिखाया था, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम करने जा रहे हैं, अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। बेहतर यही होगा कि आप चीनी से पहले से घोले रहें तो अच्छा रहेगा। तो हम इसको जो है एयर टाइट रखेंगे ताकि सारा जो भी गैस निकले सीधा आगे जाए, न कि यहाँ रुके कहीं। 24 घंटे बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, आई सी द बबल। 24 घंटे बाद मैंने दो बबल देखे हैं अब तक, ठीक है। तो ये देखिए लगभग 4 दिन हो गया है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो एक तरह से फेल हो गया है रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी थ्योरी ये थी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इधर चूने में मिलेगा, चूने में मिलाइए और मन चाह रंग पाइए, और आप घुसाइए और साथ में चाहिए पेडिटेंट चूने में मिलाइए मन चाह रंग पाइए, और मन चाह रंग नहीं मिला, ठीक है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि हमारा जो रिएक्शन है बहुत स्लो था, जितने भी हम चीनी डाले थे तुरंत कंज्यूम कर लिए, उतना कंज्यूम पर्याप्त नहीं है कि इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड इनफ दे पाए। एक दो दिन में रिएक्शन खत्म हो गया, पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँचे नहीं, यही मुझे लग सकता है। और टेम्परेचर अभी ठंडा है इस रूम का, तो हो सकता है कि अभी प्रक्रिया जो है बहुत स्लो हो रही हो, तो गया नहीं अब। ओके, तो ईस्ट के कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, ताकि मैं इसको कामयाबी तक पहुँचा सकूँ। देखते हैं इस बार पूरा हो पाता है कि नहीं। तो इस बार मैंने फिर से ये जो है लाइम वाटर बनाया हुआ, मैं इसको छानने जा रहा हूँ, इसमें छानते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसके लिए मैंने ये लाइम वाटर बना रखा है, इसको मैं पहले छान लेते हैं। ओके, इस बार का जो एक्सपेरिमेंट है, इस बार हमने जो है प्योर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे प्योर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहाँ, ठीक है। उसके लिए हम ले आए हैं ड्राई आइस, नाम सुना होगा आप सबने। ड्राई आइस क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, अगर हम गैस को अगर हम इस एक ट्यूब में इस तरह से भर के, और इसमें जैसे साइकिल का पंप होता है, इसमें पंप लगा के इस तरह से प्रेस करें, तो क्या होगा। तो चूंकि जगह गैस जगह घेरती है, तो जगह की वजह से पंप यहाँ तक जाएगा, रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि गैस भरा हुआ है। तो क्या होगा अगर आप फर्दर उसको प्रेस करते रहें, साइकिल का पंप अगर रुक गया है फिर भी आप प्रेस करते रहो, फिर क्या होगा, छुच्छी टूट जाएगी। लेकिन मान के चलो कि यहाँ पर छुच्छी कोई ऐसा नहीं लगा हुआ, तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पास पास होते हैं, सॉलिड के और पास में होते हैं। तो जब प्रेशर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो दूर दूर हैं और पास में आ जाएगी, और पास में आ जाएगी, और पास में आ जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी, एक लिक्विड होने के लिए जितने उसके मॉलिक्यूलर
तो जो मॉलिक्यूल के जितने पास पास होने चाहिए उतने हो जाते हैं, तो फलस्वरूप वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होगा इस पिस्टन को हम और दबाते जाएं, और दबाओ और दबाओ और दबाओ, इस तरह से दबाते रहो जब तक कि उसके मॉलिक्यूल इतने पास पास आ जाए कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है, हम इसको छू नहीं सकते क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो -200 के आसपास होता है, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम इसको छू नहीं सकते, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं। पता नहीं व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट आपको दिख रहा है कि नहीं। हमने एक में डाल देते हैं लाइम वाटर, मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, और इसमें डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस आने में। ठीक है, तो ड्राई आइस डालने का हमारा जो प्रक्रिया होगा कुछ इस तरीके से सेटअप होगा। एयर टाइट बनाने के लिए हम ये प्लेडाओ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये वाइट होता है कि नहीं। इस बार हम कार्बन डाइऑक्साइड प्योर लेके आए तो देखते हैं होता है कि नहीं। मैं भी देखो पहली बार कर रहा हूँ, अब आप सबके साथ सीख रहा हूँ, और आप भी सीखें हम भी सीखें। ओके, एक ही करके डालते हैं हम इसको, हाथ से नहीं टच करना चाहते हैं। बूम 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 बूम, इसको इसका इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ओके, मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। जय बजरंगबली, इस बार हो जाना। हाँ, आई सी द बबल, मैंने एक बबल देखा अभी। वाह 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 वाह, प्लीज प्लीज भैया वाइट हो जाना, और ये वाइट हो रहा है। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ, मतलब एक मिनट भी ढंग से नहीं लगा इसको कन्वर्ट होने में, और आपको पता है हो गया है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कैसे पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम में फूंकते हैं तो वो जो है लाइम, वो जो है चाक, यानी चाक में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? मैं बहुत खुश हूँ, आशा करता हूँ आप भी खुश होंगे। अपने घर पर ट्राई कीजिए चूना पानी मिला के। बाय बाय। Doing. Ta-da.